वेलकम टू ऑन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। क्रैक यूपीएससी जीएसवी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम फिर इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं जिसका नाम ग्रेट हॉल है। आई होप आप लोगों को बाकी वीडियोस भी मिल रही होंगी ऑन टाइम। और जैसे कि आप जानते हैं दैट वी हैव डिसाइडेड कि हमारे बच्चे जो किसी कारण जो है कोई डाउट क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ऑफलाइन बुलाया जाए और जो भी डाउट्स हैं उनके वो क्लियर किया जाए। आज भी बहुत सारे बच्चे मिले और अच्छी बात यह है कि जैसे कि आप सब जानते हैं ड्यू टू कोविड-19 काफ़ी सारे ऐसे पेंडिंग हमारे इश्यूज थे और बहुत सारे हालात भी ख़राब थे जिसके कारण लोगों का मोरल बहुत डाउन हो गया। रिसेंटली कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगी जिससे हमें लगता है कि नहीं, अब बेस्ट पार्ट ये है कि इंडिया भी अब डेवलप होने जा रहा है। बच्चा है जो कि अभी UPSC के फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप इस तरीके से, तो इनका ये सवाल है कि सर जो अभी हम लोगों को लग रहा है कि एग्रीकल्चरल पार्ट के तौर पे अगर देखें कि इंडिया का इकोनॉमिक GDP जो है वो कम है। अभी रिसेंटली सर 2 दिन पहले इनका ये भी क्वेश्चन था कि 2 दिन पहले अमेरिका में जो इशू हुआ पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा क्लियरली मेंशन किया गया है बुक के अंदर क्लास 10 की NCERT Chapter 2 में कि इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड जब 1929 में आया था, जब पूरी तरीके से अमेरिका का पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया, इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द बुक, 400 बैंक्स जो है करप्ट हो गई और लोगों का जो सेविंग अमाउंट था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन फिर किसी कारण उन्होंने पूरी तरीके से, चैप्टर में ज़रा आप पढ़िएगा, चैप्टर में ये लिखा जाता है कि किस तरीके से अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को फिर से रिस्ट्रक्चर किया और उसके टॉपिक के अंदर लिखा गया है द इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड एंड रिस्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी पर्टिकुलरली इन अमेरिका। बट बदकिस्मती से उस समय, क्योंकि 1929 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर था और 1913 को गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की थी, विच इज़ नोन एज साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, और इंडिया के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या भारत इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है? तो बेटा ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम हमने फेस की है। अब सोचें कि ना तो उस समय इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, ना इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी, फिर भी उन्होंने सर्वाइव किया और वहाँ उस प्रॉब्लम से वो निकले, क्योंकि 1929 को अमेरिका का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा। बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप पढ़ेंगे NCERT की बुक क्लास 10 की NCERT Chapter 5 में, कि ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड था ये 2 कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर था, एक जर्मनी और एक इंडिया। जर्मनी इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे और वो होल्ली एंड सोल्ली डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर, और एड वगैरह जो है अमेरिका ने बिल्कुल बंद कर दी और जर्मनी में बहुत सारे लोग मारे गए। अगर आप पढ़ेंगे क्लास 9 की NCERT Chapter 3 जिसमें आपको नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पढ़ने को मिलता है, उस समय वैमियर रिपब्लिकन पार्टी जो है जर्मनी में रूल करती थी, उनका जो स्टांस था वो बड़ा क्लियर था कि वॉर करो, वॉर से अगर आप टेरिटरी जीत पाते हो तो ठीक है, नहीं तो उनको इकोनॉमी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। यही वजह है कि वैमियर रिपब्लिकन पार्टी को रिप्लेस किया गया था नाजी पार्टी के साथ। अगर आपको चेक करना होगा क्लास 9 की NCERT Chapter 3 में पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से इंडिया में भी ये सिचुएशन हुई। अब बच्चे जो अभी ये स्टूडेंट आया है, बड़ा एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। अगर आप देखेंगे ये एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये इकोनॉमी का टर्म भी लेके आया है। अब इनका सवाल ये था कि अगर सर हम लोग देखें रिसेंटली, अगर हम एग्रीकल्चर पार्ट की बात करें, आपको नहीं लगता है कि सर एग्रीकल्चर हमारा बेटर हो सकता था जब हमारी माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन हो गई, यानी लोग सिटी से निकल के गाँव की ओर चले गए थे क्योंकि पेंडेमिक में सिटीज़ बंद हो गई, तो लोगों ने मूव किया वापस कि हम अपने रूरल एरिया में जाके वहीं पे रहेंगे क्योंकि वहाँ पे उनको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी बीच में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, दैट स्कीम इज़ नोन एज संवेदना स्कीम। इसके द्वारा ये क्लियर किया गया था कि हम एक ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और सारी जितनी ज़मीनें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मिसाल लीजिए कि मैं अगर अपने गाँव से निकल आया और वो ज़मीन बेकार पड़ी है लेकिन मैं किसी को यूज़ करने के लिए अगर दे दूँ तो एटलीस्ट उसमें से जो एग्रीकल्चर होगा वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होती है। आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा बुक क्लास 10 की NCERT Chapter 1 जियो नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया के पास लैंड तो है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब प्लानिंग नहीं है। और उसी के तहत प्लानिंग ये की गई थी, हम संवेदना स्कीम को पूरी तरीके से देखेंगे लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और लैंड को फाइंड आउट करेंगे, जो लैंड यूज नहीं हो रही है वो हम लोगों को दे देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि आप गांव के लोग फिर से मुंह शहरों की ओर कर रहे हैं। अगर आपने इंडियन सोसाइटी की बुक में देखा होगा तो इंडिया अभी जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम वो है अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, अनप्लानेड मैनर में
सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे होता है, तो आपको सबसे पहले ज्यादा माइग्रेशन जो देखने को मिलती है वो यूपी पहले नंबर पे, उसके नंबर पे बिहार। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर यूपी से निकल के आ रहे हैं, अभी का जो रिपोर्ट है मैं करंट में बता रहा हूँ आपको, ये इंडियन सोसाइटी के पार्ट से भी जुड़ेगा। और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है जहां से लोग निकल रहे हैं। अभी रिसेंटली दूसरी रिपोर्ट जब आई तो वो बच्चे को और कंफ्यूज कर रही है कि सर हमारे पास एक स्कीम थी जिसको हम मनरेगा कहते थे, नरेगा की स्कीम से ज्यादा लोग ये पहचानते हैं, लेकिन फंड तो खत्म हो गए और वो बंद हो गई। अब लोगों के पास एक ही वे है, माइग्रेंट हो जाए, मूव करें सिटी की ओर। सिटी में ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, 26% वीमेन ने काम छोड़ दिया है, यानी कि इंडस्ट्रीज का हाल देख लिया, फॉर इंडस्ट्री बंद हो गई, उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ से बंद कर दिया। इस बीच में अब क्या करने को बचता है, तो मुझे ये लगता है एग्रीकल्चर तो करना ही करना है, लेकिन इस बीच में अब हमें थोड़ा सा एक और चीज़ बूस्ट करनी है। क्या आपको नहीं लगता है कि टूरिज्म को आगे लिया जा सकता है? जब बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई रिसेंटली, रामपा टेम्पल को अगर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया तो शायद हम टूरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। एक न्यूज़ इसी बीच में आती है विलेज की। अब इस बच्चे का ये कहना है कि सर अगर हम रीबिल्डिंग करते हैं एग्रीकल्चर के बाद, खाली हम अगर ये फोकस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर ही हमें सब कुछ दिलवा देगा, हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। उसमें एक कारण ये भी है, क्योंकि इनकी बात सही भी है, क्योंकि रिसेंटली अगर क्रिएटिविटी के तौर पे कश्मीर की एक एरिया श्रीनगर को ये मिला, आज एक विलेज को मिला है, तो उम्मीद यही की जा सकती है ना कि क्या इंडिया एक अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है एग्रीकल्चर के बाद, इस चीज़ पे भी फोकस किया जाए। देखिए आपको अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, आपको प्लान बी भी तैयार रखना पड़ेगा, प्लान सी भी तैयार रखना पड़ेगा। आप दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आफ्टर एवरी 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है। जब से मैं क्लास ले रहा हूँ आप समझ सकते हैं कितने बच्चे पैदा हो गए हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि ना तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसको माल्थेशन अपनी थ्योरी में बड़े अच्छे से लिखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्लान नहीं है, आर्थमेटिकल एंड जियोमेट्रिकल रेशियो में आ रही है, यानी पॉपुलेशन आ रही है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन सो ऑन। और रिसोर्सेज कैसे आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप सोचें जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ऊपर से और पॉपुलेशन आ रही है। फिर यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग 2 रखेंगे और जिसके भी 2 से ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक बेटर न्यूज आपके लिए, इस गाँव की एग्जाम्पल सेट ऑफ एग्जाम्पल बनती है उन लोगों के लिए जो गाँव छोड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने यही कहा था, गांधी जी अपनी बुक में लिखते हैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, भारत गांव में बसता है। और सही में ये सच है कि गांव की, भारत की पहचान आज भी गांव से ही की जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लें, स्टोन एज की बात कर लें, मौर्यन एम्पायर की बात कर लें, गुप्ता एम्पायर की बात कर लें, मुगल एम्पायर की बात कर लें, जो डायनेस्टी रही उन्होंने गाँव को नहीं छोड़ा था। सिटी एक होता है कैपिटल, गाँव को भी ये काम करने पड़ते हैं। और आज ये न्यूज आती है कि एक गाँव है पोचमपाली विलेज, बिलोंग्स टू लाइक साउथ साइड से, फिर एक बहुत अच्छी न्यूज आई। इस विलेज की सबसे अच्छी चीज, 2004 के अंदर इस विलेज को GI टैग मिलता है, 2004 के अंदर ये विलेज न्यूज में था। आई डोंट नो आप लोगों ने उस समय तो नहीं देखा होगा क्योंकि अभी अभी आप आए। याद रखिएगा 2004 में इस गांव को इसकी खूबसूरती के लिए, और सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सिल्क की साड़ी होती है यहाँ, तो इन लोगों ने उसी को कैरी ऑन किया। ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं, खासकर जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर गांव में क्या रखा है, गांव में बहुत कुछ रखा है। 2004 से लेके 2021 में जाके इनको अब ये कहा गया कि ये एक सबसे बेहतरीन गांव है, इंडिया का पहला बन गया, भाई बड़ी बात ये है। लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा जो हार नहीं मानते। आपको पहले ये मानना पड़ेगा, अब जब IAS ऑफिसर बन रहे आपको आंसर लिखना पड़ता है कि क्या इंडिया गांव पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी, 2004 में सिल्क का नाम दिया गया, सिल्क की साड़ी यहाँ से मशहूर हुई। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इन्होंने रीडेवलप किया, स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं किया। अभी घर भी दिखाऊंगा तो आप देखेंगे अभी भी वैसे सिंपल घर लगते हैं। अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, इसके लिए सबको प्राउड फील हो रहा है, मुझे तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आप गांव को इतना ज्यादा आगे लेके आएंगे तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। सिटीज को भी डेवलप करना है, बट एट द सेम टाइम अगर यूरोपियन कंट्रीज की भी बात करेंगे वो प्रेफर करते हैं फार्म हाउस बनाना, ये बनाना, क्योंकि उनको पता है कि गांव क्या काम कर सकता है। इस विलेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी कर लें। और ग्रेट हॉल जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपके कोई डाउट है, आप क्लास के अंदर ही बच्चा आया, बहुत सारे क्वेश्चन मन में लेके आया, सर ये कैसे होगा, ये इकोनॉमी, मैंने बता दिया, कोई मसला नहीं है। तो इसमें कभी कभी ये होता है कि आप लिंक नहीं कर पाते, उसको यहाँ पे हम कंप्लीट क्रैक UPSC GS विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आइकॉनिक में आपको सबसे बड़ी चीज़ पर्सनल गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूपीएससी के कैंडिडेट को हमेशा इस एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान। विद दैट आपको एक अच्छी चीज़ जो मिलेगी वो ये है कि आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं सुहेल 10 टू गेट ए 10% ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट। By using my code, I will be there to guide you for properly 1 year, 2 year, 3 year, जिसमें भी आप जाना चाहते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप मेरी गाइडेंस के अंडर रहेंगे। गाइड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मैं भी खुद लर्नर हूँ और आप भी लर्नर हैं, क्योंकि हमें सीखना है। फॉर दोज हु वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑप्शन, दे हैव टू पे ओनली 24,750 एंड प्लीज़ डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल The Great Hall UPSC CSE, so that you will get an update regarding my classes and जो बाकी के टीचर भी देंगे उनकी भी। Beautiful, amazing। चलिए, लिखते में दिखने में ही आपको ऐसा लगता होगा कि अच्छा खासा गाँव है, लेकिन अचानक से 2004 के बाद गुम हो गया और अचानक से निकल के आ गया। एक अच्छी चीज़ आपको याद होगा कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक सवाल यूपीएससी मेंस ने किया था, अगर हम साउथ की हिस्ट्री को निकाल दें तो क्या भारत का इतिहास बन पाएगा? डैम इम्पॉसिबल। सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी ने लिटरेचर के अंदर, हमें टेंपल के अंदर, आर्ट के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने डेवलपमेंट की थी, वो साउथ के साइड के थे। याद कर लीजिएगा, चोला, चेरा, पांड्या, राष्ट्रकुटा, ये सारे वहीं से हैं और ये वो डायनेस्टीज हैं जिन्होंने भारत का नक्शा ही बदल दिया था। उसके बाद याद होगा जो सबसे बड़ी चीज़ हमें मिली, वो मिली थी संगम लिटरेचर। आज भी उस लिटरेचर को हम यूज़ करते हैं बेटा। सो एक सवाल यूपीएससी ऑलरेडी कर चुका है और यही आज इनके द्वारा हमें देखने को मिला कि न्यूज रिसेंटली दिस विलेज कॉल्ड पोजमपाली विलेज इन तेलंगाना स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट। कमाल, ये नेशनलिज्म है जो गांधी जी कहते हैं कि देशभक्ति कैसे दिखती है। मतलब देशभक्ति तब दिखती है जब आपके आपके देश का नाम कहीं पर बोला जाए ना, तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। और किस चीज के लिए बोला जाए वो इंपॉर्टेंट है। यूरोप के अंदर इतने सारे गांव में से भारत का गांव चुना गया, तो इसमें तो प्राउड फीलिंग है ना कि कुछ नया देखा होगा उन लोगों ने। विलेज बाय द यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस गांव का जो खर्चा होगा, जो डेवलपमेंट करनी होगी, ये खुद करेंगे। अब इन गांव वालों को इसलिए मैं ये कहता हूं, इनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि इन्होंने अपना कल्चर डिफ्यूज नहीं किया, या अभी भी अपने कल्चर को लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये सही हो गया कि कल्चर आइडेंटिटी आप बदल ना बदलें, कभी ना कभी आपके कल्चर की पहचान आपके नाम से हो ही जाती है। ये अवार्ड इनको जो मिलने वाला है विल बी गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ द 24th सेशन ऑफ द UNWTO जनरल असेंबली 2nd December 2021 इन मैड्रिड। अब ये प्री का क्वेश्चन है कि इस बार कहां पे ये मिलने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। आप याद कर लीजिएगा प्री के हिसाब से, यहां स्पेन के अंदर इनको इससे नवाजा जाएगा और गांव के लोग जाएंगे। भाई बड़ा मजा आएगा और हम लोगों के लिए भी बड़ा है कि मैगजीन के ऊपर UNWTO का पूरा जो आप देखेंगे लोखा जोगा, उस पर तो वैसे इनकी न्यूज़ भी आ चुकी है। और ये न्यूज़ अगर आप कवर करेंगे तो ये PIB की न्यूज़ है, होपफुली आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। अबाउट बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव के तौर पर ये गाँव का है, पूरा फोटो ही आपको ये सीधा PIB के उस पर वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अब जब ये ऐसे टाइप के आप देखेंगे तो भाई दूर से लगता है कि इन्होंने अभी भी प्रिजर्व किया हुआ है। ये चीज़ें हमें आज कहीं ना कहीं कमी दिखती है, जब क्लाइमेट समिट वगैरह होती है, थनबर्ग कहती है, या फिर अभी आपको याद होगा हमने जो समिट की थी फ्रांस के अंदर हुई, फिर अभी तो वैसे वर्चुअल टाइप में होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना ये मायने रखती है, ये उन लोगों के लिए बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो गाँव के लिए अब ये कहते हैं कि गाँव की ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, अभी भी है। The best tourism village of the UNWTO pilot initiative aims to award those villages which are outstanding example of the real destination. Real का मतलब जो word है कि आप उसमें कोई alter चीज ना करें। मैं बार बार परसों भी मैंने कहा था कि यूरोप के लोग भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इनको बेवकूफ बना देंगे। अगर आपने कोई चीज, ये real destination है, जैसा था वैसा ही है, रोड वगैरह आपने डेवलप किए, लेकिन इन चीजों को अगर चेंज करेंगे फिर नहीं। एंड शोकेस अ गुड प्रैक्टिस इन लाइन विद इट्स स्पेसिफाइड 9 एविलेशंस एरियाज। तो हर एक टाइप में ये सर्च किया जाता है कि किस तरीके से क्या हम लोग वाकई इसको इसके अंडर डाल सकते। नहीं, इस गांव ने कमाल कर दिया। आप देखिए, ये मिनिस्ट्री का एक पूरा लेखा जोखा है, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये न्यूज आप जब पढ़ते ना बेटा, एक चीज और याद रख गया, कुछ बच्चे मैसेज भी करते हैं जब मेरी लाइव क्लास भी होती है, सर आप कहाँ से पढ़ते हो। हो सकता है मैं भी थे हिंदू पे, क्या होता है कि न्यूज़ थोड़ा सा लेट आ जाती है। आप
आपको मैंने दो तीन बार कहा था कि बेस्ट यूपीएससी कैंडिडेट वो होता है जो अपनी नजर बनाए रखे, जैसे पीआईबी भी आपको न्यूज में बनाया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, फिर लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कहां पे जाएगी ये न्यूज, बहुत जगह जाएगी। उसके बाद टू सपोर्ट द विलेज टू एनहांस देयर रूरल टूरिज्म पोटेंशियल थ्रू द ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिकमेंड 3 विलेज फॉर द UNWTO। 3 भेजे थे बट एक ही सिलेक्ट हुआ। क्रिएटिविटी के लिए भी हमने 3 ही भेजे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें फिर श्रीनगर सिलेक्ट हुआ, इसमें भी 3 भेजे थे, बेस्ट टूरिज्म विलेज, एंट्री फॉर इंडिया, एक सिलेक्ट हुआ। बड़ी बात है कि एटलीस्ट उसमें हम लोग आ गए। सवाल मेरा यहाँ पे ये निकलेगा, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इनहेंस करना है, हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी है, क्या पूरे गाँव के लोगों को ट्रेनिंग मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि हमें सवाल जो मेंस में भी बन सकता है वो ये है कि क्या रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए। उसमें से एक ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए इनको, एम या हमारा यही है, उम्मीद है कि इस एम पे हम खरे भी उतर पाएंगे। दीज वेयर दे, अब जो नाम हम लोगों को याद रखने हैं, ये आपको प्री में पूछेगा कि कौन कौन से थे जो नहीं हुए और जो सिलेक्ट हुए वो। आई होप आप लोग इसी तरीके से यूपीएससी में जाते हैं, इसी तरीके से आपकी भी सिलेक्शन होती है। कोंगथन इन मेघालय, लागपुरा इन खास, मध्य प्रदेश इन पॉचपली इन तालिगाना, एंड वाज अवार्डेड बाय द UNWTO। इसकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम याद रखिएगा, डेट वगैरह साथ में। ये मैंने इसकी लोकेशन बता दी है, थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। शायद ये उसमें नहीं थी, ये PIB में थी, आपकी द हिंदू में नहीं थी। ये एक टाउन है, छोटा सा एक है, रेफर टू बी द सिल्क सिटी। तो भारत का वो कौन सा गांव है जो इसके लिए जाना जाता है, आपको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिसिंग है, सिल्क सिटी। अब देखिए ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिलियंट यूजिंग देयर आर्ट, अब याद करिएगा 1760 के अंदर, कमाल की न्यूज है, 1760 क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लंदन के अंदर इंडस्ट्रीज बनी, सबसे पहली इंडस्ट्रीज का नाम मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज था। उससे पहले भारत बहुत ज्यादा हाथों का काम करता था, मैनचेस्टर कंपनी भी कॉटन का काम करती थी, इंडिया में भी सबसे बेहतरीन कॉटन निकलता, कॉटन सबसे ज्यादा बंगाल में निकलता था। आपको याद होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था भी ना, कि रॉबर्ट क्लाइव आए और लॉर्ड डुप्लेक्स भी आए, तो एक सवाल यूपीएससी मेंस में कहा था कि ऐसा क्या था कि लॉर्ड डुप्लेक्स बहुत आगे चला गया और लॉर्ड डुप्लेक्स पीछे रह गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। उसके पीछे रीजन था, लॉर्ड डुप्लेक्स जो है वो मद्रास में अपनी कामयाबी ढूंढता रहा और रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कामयाबी बंगाल में ढूंढी। क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में हाउ व्हेन वेयर में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने एक दोस्त को बुलाया, जेम्स रेनल उसका नाम था। जेम्स रेनल पहला वो बंदा है जिसने इंडिया का सर्वे किया। सर्वे में उसने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को, बुक के अंदर पेज नंबर 2 पे देख लीजिएगा, टॉप लाइन पे लिखा है कि अगर सबसे बेस्ट जगह है जहां से माल लिया जा सकता वो बंगाल, और बंगाल में अनिल सिल्क एक जो हमारे हिस्टोरियन है, ग्रेट हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा था कि बंगाल वो जगह है सर जिसके आने के 100 दरवाजे हैं लेकिन जाने का एक भी दरवाजा नहीं है। यानी इतनी दौलत कि जो बंदा आता था फिर बंगाल से बाहर नहीं जाता था। बंगाल इज वेरी मच फेमस, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 9 और 10। हमारे जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ, बंगाल भारत था, बंगाल को पहले भारत कहा जाता था। सबसे ज्यादा हमारे पॉलिटिकल लीडर जो निकले हैं वो बंगाल से हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग जो सबसे पहले थे वो बंगाल से। 10th चैप्टर अगर आप स्पेक्ट्रम का पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन सब लोगों ने बंगाल से शुरुआत की है, क्योंकि बंगाल के लोग उस समय ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली 1857 के रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बाद में जो INC में उन्होंने रोल प्ले किया वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज भी याद रखिएगा, हैंडमेड गुड बाय रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड गुड। मैनचेस्टर कंपनी जब इंडिया के अंदर आई थी ना, तो लोगों से यह कहा था कि हाथों का माल ये कौन लगाता है, मशीन से बना के देंगे, और लोगों ने मशीनों के काम को अपना लिया। आज अगर आप देखेंगे, कभी भी आपको हाथों की ये साड़ी दिख जाए और साथ में ये एक मशीन की बनी हो, आप प्रेफर हाथों की करेंगे। इसका मतलब है कि क्लास जो है ना भाई, वो परमानेंट रहता है, वो ही दिखाया है इन्होंने, इन्होंने छोड़ा नहीं, अभी भी यही जी रहे। मैं तभी कहता हूं व्हाट ईबी टेलर सेड इन द बुक ऑफ सोशियोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी, दैट द कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। कल्चर जीने का रास्ता है, विच इंक्लूड मॉरल बिलीफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। अपने कल्चर को कभी भी मत छोड़ना, वो फिर कैसा भी है ना बेस्ट है, दूसरा क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैं कहता हूं कि MN श्रीनिवास हो, जो कि ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट इंडिया के, वो भी मेंशन करते हैं भाई,
अच्छा, राजा राम मोहन राय की बात देख लीजिए आप। राजा राम मोहन राय ने खुद कहा था कि इंडिया को ईस्ट और वेस्ट टुगेदर, हमें ईस्ट से भी काम लेना चाहिए, वेस्ट से भी, हमें साइंस भी पढ़नी चाहिए लेकिन अपना कल्चर भी नहीं छोड़ना चाहिए। 2004 के अंदर यूनिक स्टाइल है, इसको इक्काक कहते हैं, याद रखिएगा। ये वर्ड पूछ सकता है वेरी वेरी, अब ये क्या बनेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनाएगा, यहां से इक्काक का वर्ड लिखेगा, यहां से लिखेगा कि ये साड़ीज के लिए किसके लिए यूज होता है। टर्म हमेशा हिस्ट्री के जो होंगे वही होंगे, चेंज नहीं होंगे, इसको इंग्लिश टर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक और चीज ये हो गई कि दिस स्टाइल पॉसिबली इक्काक रिसीव्ड एज जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई स्टेटस इन 2004। ये बड़ी बात है, 2004 से लेके 2021 तक ये ऐसा काम करते रहे, अंटिल जब तक इनको इसके लिए पहचाना नहीं गया। अब तो कमाल होगा, अब इस सिल्क की बहुत ज्यादा बाहर डिमांड होगी यूरोप में। एंड ये वर्ड जो यूज किया गया है इसको भी जरा प्री के क्वेश्चन के हिसाब से लीजिए, इट इज एन मलेशियन इंडोनेशियन वर्ड दैट मीन्स टाई एंड डाई, इंडियन वर्ड नहीं है जो यूज किया गया है। इसका मतलब होता है इकात इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रैपिंग और टाइंग एंड डाइंग सेक्शंस ऑफ द बंडल्स यार्न्स टू बी अ प्रीडिमेंट कलर पैटर्न्स बिफोर दे आर वन। जब उससे पहले ये बनाने से पहले, ये स्कार्फ टाइप आपको दिख रहे हैं, बनाने से पहले ये डाई किया जाता है। अच्छा, इसको एक और टर्म से भी यूज कर सकते हैं आप, क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में आपको याद होगा एक कंसेप्ट आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप के अंदर ये चलता था कि एक धागे एक बंदा अलग निकालता था, डाई करने के लिए दूसरे बंदे के पास लिया जाता था, फिर उसको स्पिनिंग वगैरह वीविंग करने के लिए तीसरे बंदे के पास लिया जाता था। ये सारा काम खुद करते हैं, इसमें कहीं पे भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, तभी महंगी भी है। आगे चलिए, ग्रेट एक्सीलेंट। आप बच्चा देखिए, ये बच्चा भी परेशान था कि सर इस न्यूज को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ कैसे जोड़ लूं। ये वो गाँव है बेटा जहां से आपके एक आचार्य जी, जिन्होंने गांधी जी के साथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, 4-5 न्यूज हो गई बेटा, देखिए क्या है। ये वो गांव है जिसने एक सेट ऑफ एग्जाम्पल उन लोगों के लिए छोड़ी थी कि गरीब लोगों को जमीन डिस्ट्रीब्यूट की जाए। अच्छा, आपको याद होगा जब हम बोदान मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, दिस मूवमेंट वॉज लॉन्चेड बाई आचार्य जी, आचार्य विनोबा, ये बहुत बड़ा नाम है। अभी कुछ 4 या 5 दिन पहले इनकी न्यूज भी मैंने कंप्लीट करवाई थी क्लास के अंदर, फिर भी देख लीजिए, ये वही जगह है। फ्रॉम दिस प्लेस ऑन अप्रैल 18 ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन 1951। माय गॉड, कमाल की बात है ना कि लोगों ने अभी भी इस गांव को संभाल के रखा है। ये वही आचार्य जी हैं जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ा था और कहा था कि गांधी जी को कि जितनी भी जमीन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गरीबों के अंदर, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम भी रखा गया। पर फिर कमाल भी हुआ, बहुत इनका फायदा भी हुआ। करेंटली 2 रूम जो है, ये 2 रूम जो है आपको ये देखने को जो मिलेंगे, ये वो रूम है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये मंदिर में चले गए, विनोबा मंदिर एग्जिस्ट विद इन द विलेज विच वॉज अर्लियर द प्लेस वेयर विनोबा रिसाइड ड्यूरिंग हिज विजिट टू द विलेज। जब वो जाते थे वो यहीं पे रुकते थे। भाई कमाल की चीज है, अगर आज उनको ये स्टेटस मिला है, इसका क्रेडिट ना विनोबा को भी जाता है, इसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने आज तक इनको प्रिजर्व करके रखा। गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने रोल प्ले किया है, याद करिएगा। और फिर बाद में जब आज़ादी हो गई तो बोला कि गांधी मेरा काम एक है कि अब मैं चाहता हूं कि गरीब लोग बहुत हैं तो क्यों ना जमीन दे दी जाए। अब आप बोलेंगे सर हाउ इट इज़ पॉसिबल जमीन क्यों देंगे, याद करिएगा बेटा जब यहां पे गुप्ता राज था, गुप्ता रूल था, गुप्ता रूल के समय और आर्यन इन्वेजन जब हुआ था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर जो रिलीजन चलता था दैट रिलीजन वॉज ए ब्राह्मणिकल रिलीजन, सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे बड़े बड़े। और वैदिक कल्चर की मैं बात कर रहा हूं, जरा समझिएगा, ये 2 डिफरेंस है, एक होता है हिंदू रिलीजन, एक है वैदिक कल्चर। मैं रिलीजन नहीं कल्चर की बात कर रहा हूं। वैदिक कल्चर में सबसे ज्यादा क्या होता था, सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा दिए जाते थे, और जो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करता था बोलते यार ये बड़ा राजा है, मस्त राजा है। उसमें जो ब्राह्मण हुआ करते थे प्रीस्ट लोग, उनको अपनी सर्विसेज के लिए राजा जो है वो फ्री में जमीन दे देता था, पूरा गांव दे दिया, फिर उस गांव के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, वो जमीन अपने पास ही रख लेते थे। ये वही जमीन मैं कह रहा हूं जो बची हुई थी बाद में सबको गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तेलंगाना मस्त, मुझे ये लगता है कि इसी तरीके के स्टेप जो है गवर्नमेंट उठाए बड़ा अच्छा लगेगा यार, सारे गांव ये बन जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है वो तो आप सब जानते हैं, इंपैक्ट डालेगा आपके इकोनॉमी पे, जो मैंने पहले कहा था कि हम इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड से बाहर कैसे निकल सकते, बाहर ऐसे निकल सकते हो भाई अगर यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आता है। अभी एक टेम्पल भी यहीं से, हमने रामपा टेम्पल की बात की थी, एंड नाउ द बेस्ट टूरिज्म विलेज भी बन गया ये, awarded to the, this village will significantly boost the tourism in Telangana. अब इससे सीधा आप ये कह सकते हो कि इससे हमारा economic high होगा, कमाल है ना भाई।
अब एग्रीकल्चर के बिना भी हम सोच सकते हैं, एक तो फायदा ये हो सकता है। रामपा टेम्पल के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये टेम्पल बहुत मस्त टेम्पल है, टूटा हुआ है लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं छेड़ा। यहाँ पे एक भूकंप आया था उसकी वजह से पूरा ये टेम्पल नीचे अंदर घुस गया है, लेकिन तब तक नहीं ठीक किया जब तक एक टैग नहीं लिया इन्होंने। कमाल, ऐसी चीज़ें सुन के ना बड़ा मज़ा आता है। मेंबरशिप के तौर पर याद रखिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या काम करेगी, अब रिस्पॉन्सिबल होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, जहां पे भी गांव अच्छा लगा वहां दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स मीटिंग आर कंसीडर्ड द बिगेस्ट, इससे बड़ी मीटिंग कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, जहां पे सब बैठे हुए हैं और वहां पे अब अवार्ड मिलेगा इंडिया को तो एक बड़ी बात है। इसके टोटल मेंबर 159 मेंबर, 6 इसके एसोसिएट मेंबर होते हैं, 500 एफिलेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, टूरिज्म एसोसिएशन एंड लोकल टूरिज्म अथॉरिटी मिलकर इसको ये कंप्लीट करती है। फंक्शन याद रखिएगा, सबसे पहला फंक्शन तो सिंपल ये है कि इसके द्वारा UNWTO के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं कि उनके कल्चर की वैल्यू क्या है, मेन वही है, वाइल मैक्सिमम इट्स पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट, ताकि हमारे थ्रू कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। और इट इज कमिटेड टू प्रमोट द टूरिज्म इंस्ट्रूमेंट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको याद है 2030 का गोल है कि ज्यादा से ज्यादा गाँव, ज्यादा से ज्यादा शहरों को हम लोग इसके अंडर लेके आएंगे, उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि 3-4 न्यूज़ हैं, इसमें इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, टूरिज्म से क्या फ़ायदा होगा। और इस बार अब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, कभी हमें सिटीज़ देखने को मिल रही हैं, कभी रामपा टेम्पल देखने को मिल रहा है, ऊपर से इनका लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार प्री और मेंस का आंसर यहाँ से बन सकता है, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, देखिए लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग अ बुक ऑफ स्पेक्ट्रम, तो फिर मुझे पेज नंबर भी याद है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब तक उसको करंट से लिंक नहीं करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 या 2 महीने की गैप ले लेता हूं और करंट नहीं पढ़ता हूं, यहां से मुझे सब कुछ पता है, तो लिंक नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आपको लर्नर बनना पड़ता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, और अच्छा लर्नर वही होता है जो डेली ये कहे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है। और यही चीजें आपको कामयाब करती हैं। कीप योर कंटेंट लेस, मोर रिविजन, और इसी तरीके से इस चैनल को प्यार बनाए रखें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप भी क्लास में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।